नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। द वायर इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन में हम आपको असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनावों की हाइलाइट्स देंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि मोदी और ममता एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। इसके बाद बुलेटिन में हम आपको मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से राजनीतिक दलों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर फटकार लगाई गई है, और आपको यह भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के केरल पहुंचने पर क्या हंगामा हो गया है। और इन सभी जरूरी खबरों के साथ साथ हम आपको द वायर की ग्राउंड रिपोर्ट से भी रूबरू करवाएंगे। आइए जानते हैं हाल ही में होने वाले और हो रहे विधानसभा चुनाव से जुड़ी प्रमुख बातें क्या रहीं। बंगाल और असम में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। कल के चुनाव में हर किसी की नजर बंगाल की नंदीग्राम सीट पर रही, जहां ममता बनर्जी और भाजपा के सुवेंदु अधिकारी के बीच महामुकाबला है। कल शाम 5:30 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में असम में कुल 72.65% मतदान हुआ और पश्चिम बंगाल में 79.53% मतदान हुआ। चुनावों में येन केन प्रकारेण यानी किसी भी तरह से राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़े या फिर जबरन किसी दूसरे दल के समर्थक को वोट देने से रोकना पड़े, मगर पार्टियां जीत का झंडा थामने के लिए इनमें से किसी भी हथकंडे को अपनाने में जरा भी गुरेज नहीं करती। क्या ये दल, क्या वो दल, हर दल बस इसी दलदल में फंसा हुआ है। कुछ इस तरह के मामले ही पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में भी हमारे सामने आए हैं। CPIM के कार्यकर्ताओं ने TMC के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि वे उन्हें वोटिंग नहीं करने दे रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। वहीं नवापारा में BJP नेता भारती घोष ने TMC पर आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में नहीं जाने दिया गया। डेबरा सीट से उम्मीदवार भारती घोष ने TMC पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया है। CPIM और BJP के बाद TMC ने भी मतदान शुरू होते ही यह आरोप लगाया था कि नंदीग्राम में TMC समर्थकों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा। कुछ जगह पर TMC ने EVM में गड़बड़ी की भी बात कही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम की लड़ाई CM और TMC प्रमुख ममता बनर्जी के लिए चुनौती है। फिलहाल ममता बनर्जी के चुनावी रण में गोत्र कार्ड खेलने पर सियासी वॉर शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी अपने को अपर कास्ट ब्राह्मण बता रही हैं, जिनका गोत्र शांडिल है। वो ये बताएं कि मुस्लिम और दलित वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, फिर पश्चिम बंगाल के मुस्लिम और दलित कहां जाएं? मुस्लिम 27% है जबकि दलित 22% है और वे वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ओवैसी ने कहा, यही वजह है कि मैं उनके बयान की आलोचना कर रहा हूँ, वह भी सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है। ममता और मोदी एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। अब बात करते हैं मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर जिसमें नेता और जनता दोनों को सीख दी गई है। गौरतलब है कि 6 अप्रैल को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं, तो तमिलनाडु में तमाम सियासी पार्टियां और उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने इन लोक लुभावन चुनावी वादों को लेकर सख्त टिप्पणी की है। एक तरफ हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों के नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि वे लोक लुभावन वादों की रेवड़ियां बांटना बंद करें, दूसरी तरफ मतदाताओं से सवाल भी किया कि क्या अपने वोट बेचने वाले लोगों को नेताओं पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस N किरुवकरन और जस्टिस B पुगलेंधी ने बुधवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि उम्मीदवारों को फ्री लैपटॉप, TV, पंखे, मिक्सी और अन्य चीजों के बजाय बुनियादी सुविधाओं को मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बेहतर है कि राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी ऐसे मुफ्त सामान देने के वादे की जगह वोटरों को पानी, बिजली, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट
सुविधाएं बेहतर करने के वादे करें। साथ ही कहा कि चुनाव जीतने पर उन वादों को पूरा भी करें, क्योंकि शायद माननीय कोर्ट को भी मालूम है कि चुनावों में वादे तो होते हैं पर बाद में वादों का क्या होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को केरल के कोयम्बटूर में थे। वो यहाँ भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष और कोयम्बटूर दक्षिण से पार्टी की उम्मीदवार वनाथी श्रीनिवासन के समर्थन में बाइक रैली करने पहुंचे थे। रैली के दौरान शहर में कड़ी सुरक्षा भी थी, हालांकि इतनी सुरक्षा के बावजूद रैली में हंगामा हो गया। रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और दूसरे पक्ष के बीच झड़प भी हुई। कोयम्बटूर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बाइक रैली निकालने से पहले किसी भी तरह की मंजूरी नहीं ली गई थी। पुलिस ने बिना मंजूरी के रैली निकालने पर हिंदू मुन्नानी नाम के संगठन के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही एक केस एयरपोर्ट पर बिना मंजूरी जुलूस निकालने पर भाजपा के खिलाफ भी दर्ज हुआ है। इलेक्शन बुलेटिन के अगले चरण में हम आपको द वायर द्वारा किए गए इंटरव्यू और ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू करवाएंगे। द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा चलाई जा रही माँ कैंटीन योजना पर लोगों से बात की, जिसमें मात्र 5 रुपए में लोगों को खाना मुहैया करवाया जा रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। आते हैं तो हम खा लेते हैं, हम रोज आते नहीं हैं बस। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम सदार प्राइवेट फर्म में हैं, प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। काम का भी अवस्था ढीला है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, यही सब प्रॉब्लम है हमारा। ये तो काफी अच्छा खाना है। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये कितने में खरीदा आपने? 5 रुपये में एक प्लेट है, 2 प्लेट लिए मैंने। कितने बजे खाते हैं रोज? डेली वही 1-1.30 बजे। तो ये माँ कैंटीन से ही खाते हैं आप? हाँ हाँ। कितने में लिया आपने? 5 रुपये। 5 रुपये में ले लिया? हाँ। तो बहुत अच्छी बात है ये। हाँ। और रात में क्या खाएंगे आप? रात में रोटी। रोटी कौन बनाएगा? वो घर में चला जाता हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं? काम क्या? ड्राइवरी। अच्छा, तो ये आपको इस कैंटीन से मदद मिलती है? होटल में खाया तो 50 रुपये लग जाएगा, 60 रुपये लग जाएगा। अच्छा। हाँ, यहाँ 5 रुपये में हो जाता है। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी ने द वायर की नेशनल अफेयर एडिटर संगीता बरोह और द वायर के पॉलिटिकल अफेयर एडिटर अजॉय आशीर्वाद से असम और पश्चिम बंगाल में हो रहे मतदान पर विस्तृत चर्चा की। पेश है इस बातचीत का एक छोटा सा अंश। संगीता, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि जो सत्ता विरोधी लहर की बात कर रहे हैं, सत्ता विरोधी एक सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं अजॉय पश्चिम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में, वो भाजपा के लिए असम में क्या आपको दिख रही है? क्योंकि असम जो है वो बेहद अहम राज्य है, पूरे जो उत्तर पूर्व है, पूरा उत्तर पूर्व भारत का जो एक हिस्सा है उस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए असम को अपने पास रखना बेहद अहम है भाजपा के लिए। जी जी, मैं एक बात अभी अजय जो कह रहे थे वो सुन रही थी। उन्होंने कहा कि हमने 2 पार्टी देख चुके हैं बंगाल के लोगों ने, वो जैसे उनको फील वो ग्राउंड समझ में आया कि ऐसे कह रहे हैं कि एक नया पार्टी अब चाहिए। वो चीज 2016 में असेंबली इलेक्शन में असम में देखा गया, वही शब्द की इस्तेमाल की गई थी, परिवर्तन की चेंज चाहिए। 15 साल के तरुण गोगोई सरकार के बाद एक चेंज चाहिए। अब जब हम देखते हैं कि अब एक री इलेक्शन की तरफ बीजेपी जा रही है और आज इलेक्शन जहां मैं हूँ वहां फर्स्ट फेज की वोटिंग चल रही है, तो उसमें लोगों में ये एंटी इनकम्बेंसी जो है, मैं ये नहीं कहूँ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन
पीछे जा रहे हैं ग्राउंड में, और जो पहले जो एक लहर, जो एक नया पार्टी का जो उत्साह होती है लोगों में कि नया आएगा कुछ करेगा, वो चीज नहीं है। देखिएगा प्राइम मिनिस्टर से लेके सभी आ रहे हैं, इतने जो जो कैंपेनर्स हैं सभी आ रहे हैं, लेकिन वो जितनी पहले पहली पहली बार जैसे एक्सेप्ट किया जा रहा था, और बहुत से लोग के लिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही ले लीजिए, अमित शाह को ले लीजिए, वो चीज इस बार नहीं है। इस बार लोगों को जुगाड़ करना है, ये सब हो रही है, लेकिन तो इसलिए लोग बड़े टाइट लिप्ड है। एक तो बात ये है कि जहां तक मैं जा, जहां पे भी मैं जा रही हूँ अपर असम में, मुझे ये दिखाई दे रहा है पूरा अपर असम इस आज के डेट में वोटिंग डे कर रहे हैं, तो वहां ये है कि पार्टी को वोट दे कि कैंडिडेट को दे, यहाँ पार्टी कहते हैं कैंडिडेट्स को, पार्टी को दे कि पार्टी को दे, तो ये वाली बात बहुत ग्राउंड में सुनने को मिल रहे हैं कि बीजेपी के लिए जो एक लहर और ये सब इतना नहीं है इस बार तो। और लोगों को इश्यूज भी दिखाई, एम्प्लॉयमेंट की बात ने किया, तो ये एम्प्लॉयमेंट की बात, लेकिन यहाँ पे भी एक इशू है। जब आप नए लोग जो यूथ से बात करेंगे तो ये बात दोहराते हैं कि ऑफिशियली नियरली 17 लाख अनएम्प्लॉयड जो है रजिस्टर्ड है स्टेट गवर्नमेंट में, सो ये बात उनको बहुत ये बात है इनके मन में। और ऊपर से कांग्रेस ने एक पांचवा एक गारंटी दी है, उसमें से एक गारंटी ये भी 5 लाख हम हमारे कार्यकाल में करेंगे अगर हम पावर में आए तो ये भी है। और दूसरी बात बहुत देखने को मिल रही है इस बार बोथ कांग्रेस से या बीजेपी से, जो ये एक बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स की तरफ एक यहाँ पे जाने की दिख रही है कि आप अगर आप मतलब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और ये चीजें बहुत आ रही है। बीजेपी ने अब एक उनका जो नया का एक स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट का और अरुणोदय स्कीम, जिसकी तहत 830 रुपया मेरिट वुमेन खाते पे डालते हैं महीने, तो अब कांग्रेस कह रही है कि हम इसको 2000 तक बढ़ाएंगे, और उसके बाद जो बीजेपी ने इनका मैनिफेस्टो निकाला थोड़ी दिन बाद तो कह रही हम इसको 3000 तक बढ़ाएंगे। तो ये चीजें जो है फ्री की स्कूटी देनी, बाइक देना लड़कों को, ये सब खूब बेनिफिशियरी जो पॉलिटिक्स होती है, मतलब फ्री के राइस देना, ये चीज कांग्रेस और बीजेपी है, तो इनके मेन को यही बात खूब दिख रही है। पूरी बातचीत सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी बातचीत सुन सकते हैं। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप सब देखते रहिए द वायर का इलेक्शन बुलेटिन। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।